दोस्तों, जब सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील कुमार ने कोई खुलासा नहीं किया तो उसके साथियों पर शिकंजा कस रही है पुलिस। आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से पहले 10वें आरोपी के रूप में गिरफ्तार अनिरुद्ध को जम्मू लेकर गई थी कुछ बड़े राज का खुलासा करने के लिए, और ये भी खबर सामने आई कि पुलिस उसमें सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन अभी तक वो सारी बातें गुप्त रखी गई हैं। लेकिन उसके बाद जो सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में अपराधी नंबर 11 पकड़ा गया था, जूडो कोच, वो अभी भी खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस उस पर शिकंजा कस रही है। अपराध शाखा की टीम गिरफ्तार जूडो कोच वे पीटीआई सुभाष 32 साल की जिनकी उम्र बताई जा रही है, उनको गुरुवार को रोहतक समेत हरियाणा में अन्य जगहों पर लेकर गई है। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि पुलिस को रोहतक से सुभाष की वारदात के समय पहने कपड़े बरामद करने हैं। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में सुभाष को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसे 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है, तो ऐसे में उसको किसी भी जगह ले जा सकती है, उससे कोई भी पूछताछ कर सकती है। तो जब सुशील कुमार पर शिकंजा कसने में और उसे खुलासा करवाने में नाकामयाब नजर आई टीम है, तो खुद सुशील कुमार ने खुलासा भी नहीं किया, तो ऐसे में सुशील कुमार के साथियों पर शिकंजा कस के एक सरकारी गवाहों के रूप में एक ऐसी टोली तैयार की जा रही है जो सबूतों और गवाहों के आधार पर सुशील कुमार को एक कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में कामयाब रह सके। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।